श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, अज आपां तुहानूं दर्शन करवाउण जा रहे हाँ गुरद्वारा संत घाट साहिब सुल्तानपुर लोधी। सो संगत जी, इस वीडियो दे अंत तक बने रहो अते इस वीडियो नूं शेयर कर दिओ तां जो होर संगत नाल नाल दर्शन कर सके। अते अपना फेसबुक पेज सुख लाटिया सबसक्राइब कर लो अते अपना यूट्यूब पेज सुख लाटिया सबसक्राइब कर लो। संगत जी, आओ अज आपां तुहानूं दर्शन करवाउंदे हाँ गुरद्वारा संत घाट साहिब, जिस जगह तो मूल मंत्र दा उचारण होया। गुरु नानक देव जी पवित्र काली वेई विच हर रोज़ इशनान करके भगती करिया करदे सन। इत्थे ही काली वेई दे कंढे मौजूदा समय गुरद्वारा बेर साहिब सुशोभित है। गुरु जी बेर साहिब विच 14 साल 9 महीने 13 दिन भगती कीती। सो एक दिन गुरु जी वेई नदी विच इशनान करन समय अलोप हो गए। गुरु उस तो बाद गुरु नानक देव जी पवित्र वेई विच इशनान करन लई चुप्पी मारन तो बाद जिस स्थान ते प्रगट होए सन उस गुरद्वारा साहिब दे तुही दर्शन कर रहे हो, जिथे अज गुरद्वारा संत घाट साहिब सुशोभित है। इत्थे ही गुरु जी ने मूल मंत्र दा उचारण कीता अते इत्थों ही धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दी शुरुआत हुई। सो संगत जी, तुही दर्शन कर रहे हो गुरद्वारा संत घाट साहिब जी, तुसी भागां वाले हो संगत जी जो दर्शन कर रहे हो। वाहिगुरु जी मेहर करे जो भी संगत यह दर्शन कर रही है उसका घर खुशियां नाल भर जावे, सारे दुख कलेश खत्म हो जान अते गुरु दी बाणी नाल जुड़ जान। सो संगत जी, यह वीडियो शेयर जरूर करियो तां जो चलदी चलदी वीडियो शेयर करियो तां जो होर संगत दर्शन कर सके। सो गुरु जी ने सेवा लाई हुई है, आपां तुहानू सिख गुरधामां दे दर्शन करवा रहे हाँ, सो तुही भी दर्शन करदे रहो। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। बोलो जी वाहिगुरु जी।